गलती से गलती। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी और मम्मी पापा के साथ साथ 8 साल का चेतन और 7 साल की वाणी भी रहते थे। दोनों बहुत शरारती थे। एक दिन दोनों अपने कमरे में बैठे स्कूल का होमवर्क कर रहे थे, तभी वाणी ने कहा, भैया मेरा होमवर्क करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, काश कल हम स्कूल की छुट्टी कर पाते। मेरे पास एक आइडिया है, तुम देखो मैं क्या करता हूँ। चेतन ने वाणी की कान में कुछ कहा और फिर दौड़ता हुआ अपनी मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी वाणी को बहुत तेज बुखार है। क्या? वाणी अपने कमरे में एक बहुत भारी कंबल ओढ़कर बैठी थी। फिर जैसे ही उसकी मम्मी और चेतन कमरे में आए, वाणी ने जल्दी से कंबल हटा दिया। मम्मी ने वाणी को हाथ लगाया तो भारी कंबल की वजह से उसका शरीर गर्म था। वाणी को तो बहुत तेज बुखार है, लो वाणी जल्दी से दवाई पी लो, देखना अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। भैया ये दवाई तो बहुत कड़वी है। कोई बात नहीं, लेकिन हमारी कल की छुट्टी तो हो गई। लेकिन इस बार उनकी ये छोटी सी शरारत बहुत बड़ी गलती बनने वाली थी। अगले दिन बिना किसी बीमारी के दवाई खाने की वजह से वाणी का पेट दर्द करने लगा। आह भैया मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। चेतन अपने दादाजी के कमरे में गया। उसने दादाजी के दवाई के डिब्बे को खोला और उसमें से एक पीले रंग की दवाई लेकर वाणी के पास वापस आया। ये लो, कुछ दिन पहले दादाजी का पेट दुख रहा था, तब उन्होंने भी यही पीली वाली दवाई खाई थी। वाणी ने तुरंत वो दवाई खा ली, लेकिन इससे उसका पेट दर्द और बढ़ गया। आह भैया ये पेट दर्द तो और बढ़ गया। क्या? रुको मैं दादाजी के दवाई के डिब्बे से कोई और दवाई लेकर आता हूँ। चेतन मेरी दवाइयों के साथ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं दादाजी। चेतन याद रखना, दवाइयों से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ बीमार होने पर ही खाई जाती हैं, और अगर बिना किसी बीमारी के इन्हें खाया जाए तो इससे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचता है। ठीक है दादाजी। ये कहकर चेतन वहाँ से भागकर अपने कमरे में आ गया। उसने वाणी को वो दवा खिला दी, जिससे वाणी की तबीयत और बिगड़ गई। वो दर्द के कारण जोर जोर से रोने लगी। वाणी को रोता देख चेतन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भी रोने लगा। ये सब मेरे कारण हुआ है, मुझे तुम्हारी बीमारी का बहाना नहीं लगाना चाहिए था। दादाजी ठीक कहते हैं, हमें बिना किसी बीमारी के दवा नहीं खानी चाहिए। तभी दोनों बच्चों की रोने की आवाज सुनकर दादाजी उनके कमरे में आए। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों ऐसे रो क्यों रहे हो? चेतन ने रोते रोते उन्हें सारी बात बताई। सारी बात जानकर दादाजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बच्चों गलतियाँ गलती से ही होती हैं, लेकिन अगर हम उस गलती को बड़ों से छिपाते हैं तो वो गलती गुनाह बन जाती है। इसलिए कुछ भी गलत होने पर हमें इसके बारे में सबसे पहले घर के बड़ों को बताना चाहिए, ताकि वो समय रहते उस गलती को ठीक कर सकें। ठीक है दादाजी, आज से कुछ भी गलती होने पर हम सबसे पहले बड़ों को बताएंगे। इसके बाद दादाजी ने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर ने वाणी की ठीक से जांच कर उसे दवाई दी, जिससे वो जल्द ही ठीक हो गई। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कुछ भी गलती होने पर हमें इसके बारे में जल्द से जल्द घर के बड़ों को बताना चाहिए, ताकि वो अपनी समझदारी से उस गलती को समय रहते ठीक कर सकें। दुगने खिलौने। बहुत समय पहले किसी शहर में 6 साल की मिष्टी और 7 साल का मयंक अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। मिष्टी और मयंक के पास बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन वो कभी अपने खिलौने एक दूसरे के साथ नहीं बांटते थे।
और हमेशा इस बात पर झगड़ा किया करते थे कि किसके पास ज्यादा खिलौने हैं। मेरे पास ज्यादा खिलौने हैं। नहीं, मेरे पास तुमसे भी ज्यादा खिलौने हैं और मेरे खिलौने तुम्हारे खिलौनों से अच्छे हैं। नहीं, मेरे पास तुमसे ज्यादा अच्छे खिलौने हैं। एक दिन उनके दादाजी उनके घर रहने आए। वो अपने साथ बहुत अच्छे अच्छे खिलौने भी लाए थे। बच्चों, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लाया हूँ। इतने सारे खिलौने? वो दोनों आगे बढ़े और उन्होंने दादाजी के हाथ से एक एक थैला ले लिया। ये वाले खिलौने मेरे और ये वाले खिलौने मेरे। मैं ये सभी खिलौने तुम दोनों के लिए ही लाया हूँ, तो इन्हें बांटने की क्या जरूरत है? नहीं दादाजी, हम कभी अपने खिलौने नहीं बांटते। कभी भी नहीं। ये सुनकर दादाजी को बहुत हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने बच्चों को कुछ भी नहीं कहा। अगले दिन दोनों बच्चे हमेशा की तरह झगड़ रहे थे। मेरे पास ज्यादा खिलौने हैं। नहीं, मेरे पास तुमसे भी ज्यादा खिलौने हैं। इस बार भी दादाजी ने सोचा कि बच्चे खुद समझ जाएंगे। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन दादाजी ने सोचा, ये बच्चे ऐसे नहीं समझेंगे, मुझे ही इन दोनों को एकता का मतलब समझाना होगा। ये सोचकर वो बच्चों के कमरे में गए। कमरे में बच्चे हमेशा की तरह झगड़ रहे थे। दादाजी को देखकर वो दादाजी से पूछने लगे, दादाजी अब आप ही बताइए किसके खिलौने ज्यादा है। हाँ दादाजी, आप ही बताइए किसके पास ज्यादा खिलौने हैं। मेरे हिसाब से तो तुम दोनों के पास ही बहुत कम खिलौने हैं। क्या? लेकिन तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के खिलौने दुगने कर सकता हूँ। वो कैसे? जादू से। जादू से? हाँ, जादू से। अब जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, मैं अभी तुम दोनों के खिलौने दुगने कर देता हूँ। दादाजी के ऐसा कहने पर दोनों बच्चों ने आंखें बंद कर ली। दादाजी आगे बढ़े और उन्होंने दोनों बच्चों के खिलौने आपस में मिला दिए। फिर वो वापस बच्चों के पास आकर खड़े हो गए। अब तुम आंखें खोल सकते हो। बच्चों ने आंखें खोली तो सारे खिलौने मिले हुए थे। ये देखकर दोनों बहुत गुस्सा हो गए। दादाजी, ये आपने क्या किया? आपने हम दोनों के खिलौने मिला क्यों दिए? इस पर दादाजी ने उन्हें समझाते हुए कहा, मिला नहीं दिए, मैंने तुम दोनों के खिलौने दुगने कर दिए। बच्चों, एकता में बहुत शक्ति होती है। अगर हम मिलजुल कर रहें, तो इन खिलौनों की तरह हमारी ताकत भी दुगनी रहती है। इसलिए हमें झगड़ना नहीं चाहिए और हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। आखिरकार दादाजी के समझाने पर बच्चे मिलजुल कर रहने का महत्व समझ गए और फिर उन्होंने कभी खिलौनों को लेकर झगड़ा नहीं किया। बातों की वैल्यू। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में मम्मी पापा के अलावा 7 साल की अदिति और 8 साल का आदित्य भी रहते थे। दोनों बच्चे वैसे तो भाई बहन थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। जहां आदित्य बहुत कम बोलता था, वहीं अदिति बहुत ज्यादा बोलती थी। वो हर बात पर और कभी कभी तो बिना बात के भी बोला करती थी। मम्मी, आज स्कूल में टीचर एक एक करके सभी बच्चों से सवाल पूछ रही थी, और जब मेरी बारी आई तो मैंने टीचर का सवाल पूरा होने से पहले ही सवाल का सही जवाब दे दिया। फिर भी पता नहीं टीचर ने मुझे 10 से सिर्फ 5 नंबर ही क्यों दिए। उसकी मम्मी उसे बहुत समझाती थी कि उसे कम बोलना चाहिए। अदिति बेटी, हमें कम और मीठा बोलना चाहिए। अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो लोग हमारी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। लेकिन वो हमेशा मम्मी से कहती कि, मम्मी मैं तो बहुत कम बोलती हूँ, बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि ज्यादा बोलना क्या होता है। एक दिन बच्चों की बुआ उनके घर रहने आई और अपने साथ दोनों बच्चों के लिए खिलौने भी लाई। आदित्य, ये लो तुम्हारे लिए रोबोट, और अदिति, ये लो तुम्हारी गुड़िया। आदित्य ने रोबोट चुपचाप रख लिया। थैंक यू बुआ जी। लेकिन अदिति हमेशा की तरह बोल पड़ी, बुआ जी आप ये वाली गुड़िया क्यों लाए? ये वाली गुड़िया तो मेरे पास है।
अगर आप मुझसे पूछ लेती तो मैं आपको पहले ही बता देती कि मुझे कौन सी गुड़िया चाहिए। ठीक है अदिति, अगली बार मैं तुमसे पूछ लूंगी। पूछने की क्या जरूरत है, आप मुझे अपने साथ बाजार ले जाना, मैं अपने आप एक अच्छी सी गुड़िया पसंद कर लूंगी और फिर आप उसे खरीद लेना। ठीक है। ठीक है तो फिर चलो चलते हैं। अभी तो मैं बहुत थकी हुई हूँ। हाँ अभी तो आप थके हुए हो, तो बताओ आप मुझे कब बाजार लेकर जाओगी। क्या अदिति, बुआ को तंग मत करो। आइए दीदी। मैं तंग थोड़ी कर रही हूँ, मैं तो बस बुआ जी से बात कर रही हूँ। अगले दिन बुआ और मम्मी बात कर रहे थे, हम इस बार गर्मियों की छुट्टियों में नैनीताल जाएंगे। तभी अदिति वहाँ आई और हमेशा की तरह बोलने लगी। नैनीताल तो हम पिछले साल ही गए थे और उससे पिछले साल हम नानी के घर देहरादून भी गए थे। आप कभी देहरादून गए हो? हाँ एक बार मैं। हम तो वहाँ हर बार गए हैं, हम तो वहाँ बहुत बार गए हैं, आप भी जरूर जाना, गर्मियों में तो वो जगह और भी अच्छी लगती है, आपको वो जगह बहुत पसंद आएगी। आइए दीदी हम अंदर रसोई में चलते हैं। और उसके बाद आप नैनीताल भी जरूर जाना, आपको वहाँ भी बहुत अच्छा लगेगा। उसी रात अदिति के पापा भी बुआ जी के साथ बात कर रहे थे। दीदी अच्छा हुआ आप आ गईं, मुझे तो आपके पास आने का समय ही नहीं मिल पाता। कोई बात नहीं, मैं जानती थी तुम काम से समय नहीं निकाल पाओगे, इसलिए मैं ही चली आई। तभी अदिति वहाँ आई और बोली, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अभी नहीं अदिति, अभी मैं बुआ जी से बात कर रहा हूँ। ठीक है पहले आप बुआ जी से बात कर लो। ये कहकर अदिति वहीं बैठ गई और उनकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगी। पापा और बुआ जी बात करने लगे। मैंने सुना आप बच्चों के लिए गिफ्ट लाई थी, तो क्या आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई? मैं तुम्हारे लिए भी गिफ्ट लाई हूँ, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। अरे ये शर्ट तो बहुत अच्छी है। ये देखकर अदिति से चुप नहीं रहा गया और वो बीच में ही बोल पड़ी, वाह पापा आपका गिफ्ट तो सच में बहुत अच्छा है। बुआ जी आप तो पापा के लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाई हो, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको अच्छे गिफ्ट खरीदने आते हैं। हाँ तुम्हारी बुआ बहुत अच्छे गिफ्ट खरीदती हैं। लेकिन पता नहीं बुआ जी मेरे लिए ही क्यों वो छोटी सी गुड़िया लेकर आई। पापा आपको पता है बुआ जी मेरे लिए एक गुड़िया लेकर आई, वैसे गुड़िया मेरे पास पहले से ही थी, इसलिए मैंने बुआ जी से कहा कि वो मुझे कुछ और गिफ्ट ला कर दें। और बुआ जी ने मुझसे कहा है कि अगली बार वो मुझसे पूछकर ही मेरे लिए गिफ्ट लाएंगी। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अपनी आदत से मजबूर अदिति बिना वजह हर बात पर बोलती रही। आप अभी खाना खा रहे हो? मैंने तो पहले ही खाना खा लिया था। आप अभी से सो रहे हो? मैं तो बहुत देर से सोती हूँ। आप अब सोकर जाग रहे हो? मैं तो सुबह सुबह ही जाग जाती हूँ। बुआ जी को उसकी बातों पर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा। फिर जब 3 दिन बाद बुआ जी के जाने का समय आया तो उन्होंने बच्चों से पूछा, बताओ बच्चों अगली बार मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? बुआ जी आपस आ जाना, फिर हम दोनों साथ में बाजार जाकर मेरी पसंद के बहुत सारे खिलौने खरीदेंगे। बुआ जी आप हमारे लिए मिठाई लेकर आना। ठीक है आदित्य, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आऊंगी। ये कहकर बुआ जी चली गई। लेकिन अदिति को बुआ जी की ये बात बहुत बुरी लगी। उसने उदास मन से मम्मी से कहा, मम्मी बुआ जी ने मेरी बात नहीं मानी और भैया की बात झट से मान ली। मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा, अदिति इसीलिए मैं तुम्हें कम बोलने के लिए कहती थी, कम और मीठा बोलने से हमारी बातों की वैल्यू बनी रहती है, और अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो कोई हमारी बातों पर ध्यान नहीं देता। अदिति मम्मी की बात समझ गई। उसने कहा, आप ठीक कह रहे हो मम्मी, आज से मैं कभी बेवजह नहीं बोलूंगी। इस तरह अदिति की बेवजह बोलने की आदत छूट गई और वो कम बोलने लगी। तो बच्चों
इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कम और मीठा बोलना चाहिए। इससे हमारी बातों की वैल्यू बनी रहती है।